नमस्कार दोस्तों, मैं रामू। कुछ दिन पहले आप सभी ने मेरा एक वीडियो देखा था, जो वीडियो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बनाया गया था। यह वीडियो बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन कितने लोग माने मेरे बात को, एक या फिर दो या फिर एक भी नहीं, मेरे ख्याल से एक भी नहीं। लेकिन अभी जो मैं बात बोलूंगा, ये बात सुन के आप सभी हैरान हो जाओगे। एक छोटे बच्चे ने एक वीडियो के थ्रू मुझे क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्ते सर, मैंने आपका वीडियो देखा। वीडियो देख के अपने आप को सुधरने की कोशिश की, पर क्या करूं? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर डस्टबिन नहीं रखते, पर क्या करूं? कचरा कहां फेंकूं? क्या इसके जवाब आपके पास है? शायद नहीं, लेकिन मेरे पास है। मैं इस छोटे बच्चे को एक बात बोला, कचरा फेंकने के लिए सिर्फ डस्टबिन की जरूरत नहीं होती, अपना दिमाग भी काम पे लगाना पड़ता। छोटे बच्चे को बोला, ऐसे जो कुछ सामान फेंक देते हैं लोग, जैसे कि बॉक्स वगैरह, इसको डस्टबिन की तरह यूज करें। और छोटे बच्चे ने मेरे बात को माना। सिर्फ वो बच्चा नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे मिलके देश के लिए कुछ किया, देश की गंदगी साफ किया। आइए देखते हैं। मैं भी बहुत सारे टाइम ऐसा किया, कैफे भी जाता था, कहीं पे भी कचरा फेंक देता था। लेकिन दोस्तों, मैं अभी अपने आप को सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग भी सुधर जाइए। एक बार सोचिए, ये इंडिया हमारा है, ये देश हमारा है, ये खूबसूरत सा इंडिया, तो क्यों ना हम सब मिलके। सब मिलके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये छोटे बच्चे, आप सभी ने देखा कुछ देर पहले, छोटे बच्चे लोगों ने मिलके देश के लिए कुछ कर रहा है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो आइए दोस्तों, मैं, आप और हम सब मिलके कुछ करते हैं हमारे इस इंडिया के लिए। फिर से मैं दोस्तों आप सभी को बोलना चाहता हूँ, आई लव माई इंडिया। जय हिंद। रंग केसर शू।